अगली खबर सुजानगढ़ से, जहां सुजानगढ़ में अच्छी बारिश की कामना को लेकर नगर परिषद कार्मिकों ने उपसभापति अमित मारोठिया और सभापति प्रतिनिधि इद्रीश गौरी के नेतृत्व में मांडेता स्थित भोमियाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी ने पूजा अर्चना करते हुए अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की। कावाटी क्षेत्र में लगातार काफी समय से बारिश हुई है, लेकिन सुजानगढ़ और आसपास क्षेत्रों में बारिश की कमी देखने को मिली है। कल ही सुजानगढ़ नगर परिषद के कुछ पार्षद पहुंचे भोमियाजी को मनाने के। हालांकि निचले स्तरों में बरसात होने की वजह से पानी की समस्या भी रहती है। हमारे बीच में कुछ जुड़े हैं, पार्षद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जैसे निची बस्तियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पानी की समस्या बारिश में हो जाती है। वहाँ नालियों का निर्माण नहीं हुआ है सही तरीके से और नगर परिषद उनमें ध्यान नहीं देती है। तो मेरी नगर परिषद गुजारिश रहेगी कि उन बस्तियों में वार्ड पार्षद है उनके द्वारा उनमें ध्यान दिया जाए ताकि वहाँ पानी की निकासी हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? एक पार्षद भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके वार्ड की? देखिए, वार्ड की स्थिति हमारे वार्ड की तो बढ़िया है क्योंकि वार्ड थोड़ा ऊपर है। बाकी सुजानगढ़ जो मेन समस्या है वो है कि सुजानगढ़ कटोरी नुमा है, तो उसका क्या है, पानी हम डिस्पोजल वार्ड उसके टैंकरों के द्वारा है या मशीनों के द्वारा है, पंपों के द्वारा करते हैं। तो क्या जब भी बारिश होती है तो वो पानी जहाँ पे ज़मीनें नीची है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। वो समस्या हमें से 50 सालों से चली आ रही है। लेकिन मैं सुजानगढ़ी जनता को और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब ये समस्या का समाधान हो चुका है। राजस्थान सरकार ने ड्रेनेज की घोषणा कर दी है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री काम है वो भी पूरा हो चुका है, उनके टेंडर होने हैं। और सुजानगढ़ में जल्द ही अपने बाजार के अंदर, सबसे बड़ी बात है कि बाजार के अंदर ड्रेनेज की व्यवस्था हो जाएगी, तो ये बाजार में जो पानी जमा होता है ड्रेनेज की सरकार ने व्यवस्था कर दी है। जल्द ही पार्षद महोदय का दावा है कि नगर परिषद कार्य करेगी, सत्तारूढ़ दल के पार्षद भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बारिश भी नहीं हो रही है और किसानों के लिए भी थोड़ी चिंता का विषय है फसल के लिए? अभी कल ही हम लोगों ने भोमियाजी को मनाया, जो इष्ट को हम याद करके बरसात के लिए निवेदन किया है और बाकी मस्जिदों में, मंदिरों में इस प्रकार की दुआएं, प्रार्थनाएं की जा रही है और हम कामना करते हैं कि जल्दी जल्द बरसात हो। और सुजानगढ़ में अभी नगर परिषद द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया गया है, हमारे सभापति महोदय और विधायक जी के द्वारा सुजानगढ़ को किसी प्रकार से आने वाली समस्या से निपटने के लिए भरपूर प्रयास किया गया है। ये समय लगेगा ये कहना है, और ये सुजानगढ़ के पार्षद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने बताया कि जल्द से जल्द कामना भी की जा रही है भोमियाजी को मनाया गया है, क्योंकि सुजानगढ़ में अभी काफ़ी समय से बरसात नहीं हुई है, उमस का माहौल है। इंडिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लाटा।